नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। काशी में आदि शंकर की आराधना के एक उद्धरण के उल्लेख के दौरान सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहते हैं कुछ लोग। सीएम योगी शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के चारों कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदिशंकर की काशी में की गई साधना के समय भगवान विश्वनाथ द्वारा ली गई परीक्षा के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज जिस ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वह ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञान व्यापी वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि ज्ञान व्यापी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, उसकी तारीख कई सौ साल पुरानी है। अगली खबर की ओर बढ़ते बता दें कि उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म। सीएम योगी का विजन बनेगा माध्यम। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां स्वयं प्रत्येक मंच से प्रदेश के उत्पादों के अक्सर ब्रांडिंग करते रहते हैं, इस कड़ी में 25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होने जा रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 प्रदेश के पारंपरिक उद्यमियों के लिए वैश्विक महाकुंभ साबित होगा। इस क्रम में वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी मंडलों के 270 से अधिक स्थानीय व पारंपरिक उत्पादों के उद्यमियों ने विभिन्न कैटेगरीज के अंतर्गत अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। वहीं चकबंदी कार्यों में योगी सरकार ने स्थापित किया 10 वर्षों का नया कीर्तिमान। योगी सरकार अन्नदाताओं के हितों के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चकबंदी विभाग को किसानों के खेत की सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने, गाँव को विकास से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने एवं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8 माह में प्रदेश के 40 जिलों के लगभग 82 ग्रामों में अब तक चकबंदी कराई जा चुकी है। वहीं पिछले वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 74 जिलों से के 781 गांवों में चकबंदी कराई गई है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर से अब तक 705 ग्राम अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 25,523 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। इधर आईएएस निधि गुप्ता वत्स अमरोहा की बनी डीएम। 25 माह में पूरा कराया स्मार्ट सिटी का काम, बरेली को दिलाया खास मुकाम। बरेली नगर आयुक्त के पद पर करीब 2 महीने रही निधि गुप्ता वत्स अब अमरोहा में डीएम बनी हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी का काम पूरा कराया है। उनके कुशल नेतृत्व में बरेली देश भर में 137 से 80वें पायदान पहुंचा। सरकार ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर तबादले किए, जिनमें उन्हें अमरोहा जिलाधिकारी की कमान सौंपी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस की लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2019 के बाद सपा बसपा के बीच गठबंधन क्यों टूट गया। दान, वीरता और त्याग का कर्ण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। राजनीति में हमें विचारों को, सिद्धांतों को लेकर जो त्याग करना होगा वो त्याग हम करेंगे। इधर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति के उपलक्ष में श्रीमद् भगवत कथा का किया गया शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा सत्य और जीवन के रहस्य को समझाने वाली कथा है। ये सफलता के चरम उत्कर्ष और जीवन के परम सत्य तक पहुंचने की कथा है। हमारे जीवन की दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावहारिक घटनाएं श्रीमद् भगवद गीता कथा के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती हैं। वहीं बिजनौर में 132 पुलिस वालों को वेतन की नहीं चिंता, अभी तक नहीं दिया संपत्ति का विवरण। संपत्ति का विवरण देने में अभी भी पुलिसकर्मी लेट लतीफी कर रहे हैं। बिजनौर में एसपी ने 2 दिन का समय दिया है। हालांकि शासन ने विवरण भरने की समय 31 अगस्त तक तय की थी, समय सीमा समाप्त हो रही थी। शासन की ओर से फिर 1 महीना बढ़ा दी है। 8 निरीक्षक, 37 दरोगा और लगभग 87 सिपाहियों ने अभी भी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम, विद्यार्थी सीखेंगे संस्कार स्वच्छता। योगी सरकार ने स्वच्छता
पखवाड़ा के अंतर्गत परिषदीय विद्यार्थियों को स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता से परिचित कराने की एक अनूठी पहल शुरू की है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पहले दिन यानी 14 सितंबर को स्वच्छता शपथ से इसकी शुरुआत की है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षक, छात्र और स्टाफ के साथ समुदाय के सदस्य भी विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों के सहभागी बनते रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के लगभग 1.33 लाख परिषदीय स्कूलों के करीब 1.40 करोड़ छात्रों ने स्वच्छता की शपथ ली। अगली खबर आ रही है गोरखपुर से। मधुमिता हत्याकांड के शूटर प्रकाश पांडे की मौत मुंह के कैंसर से था पीड़ित। मधुमिता हत्याकांड के शूटर प्रकाश पांडे का गुरुवार को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 2 साल से मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे। प्रकाश को पहले सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन बाद में नैनीताल हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रकाश लखनऊ में ही पत्नी और 14 साल के बेटे के साथ रहता था। अगली खबर आ रही है बनारस से। धर्म की नगरी काशी ने हिंदी को दिया पहला मानक कोश, व्याकरण और इतिहास। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाकी बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ा वही मल्हार है हिंदी। डॉक्टर जगदीश व्योम की ये कविता हिंदी की कहानी कहती है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी ने भी हिंदी और हिंदी भाषियों को बहुत कुछ दिया है। पहले शब्दकोश से लेकर पहले व्यवस्थित व्याकरण, हिंदी साहित्य और भाषा के पहले इतिहास के साथ ही हिंदी शॉर्ट हैंड का पहला विद्यालय भी काशी से ही शुरू हुआ था। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।